इनकी भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। देखिए, एक गैंग काफ़ी दिनों से सक्रिय था, बीटा टू, नॉलेज पार्क, दादरी, इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय था। बार बार ये सूचनाएं आ रही थी कि ये लोग गाड़ियों पर बैठा करके, लिफ्ट दे करके, आगे ठगी करके ये लोगों के पैसे, उनके एटीएम कार्ड्स ले रहे थे। इसको एसओ बीटा टू ने चैलेंज के रूप में लिया और लगातार इस पर काम कर रहे थे। इसमें जो हमारी सर्विलांस की टीम है, इनकी जो थाने की क्राइम टीम है, इनके नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। आज मॉर्निंग चेकिंग के ही दौरान जब ये लोग लगातार इस गैंग को ट्रेस कर रहे थे, 9:15 के करीब परी चौक के पास से दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से बलेनो कार, दो स्कूटी बरामद हुई है, 53,000 है, तमंचा है, इनसे तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। दो घटनाएं जो पहले ही हमारी लिखी हुई हैं, जिसमें इन लोगों ने पैसे लिफ्ट देने के बहाने इन लोगों ने बैठा करके पैसे और एटीएम कार्ड्स का पिन पूछ करके उससे मार्केटिंग और उससे पैसे निकाल लिए थे, वो दोनों घटनाओं का अनावरण हुआ है। इनसे अभी और गहन पूछताछ हो रही है, अन्य थाना क्षेत्रों में भी, जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में इन्होंने कहाँ कहाँ घटना की है, इसके विषय में भी गहन पूछताछ की जा रही है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, कभी नगर से जेल गए हैं, इस बीच में कहाँ कहाँ एक्टिव रहे हैं, इनके CDR का हम एनालिसिस कर रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम कार्रवाई करेंगे। और ये जो जितनी भी आप संपत्ति देख रहे हैं, गाड़ियाँ, स्कूटी, ये सभी चीज़ें इन लोगों ने इसी अवैध धन से, अपराध के धन से इन लोगों ने खरीदी है और ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लग्जरी मोबाइल इनके पास, iPhone 12 इनके पास, लग्जरी घड़ियाँ, जूते, ये सभी चीज़ें जो है अपराध के पैसे से ही अर्जित कर। तरीका क्या था इनका? इनका ये है कि इनका एक, जब अगर कोई आदमी कहीं पर वाहन के लिए इंतजार कर रहा होता है, उसी दौरान इनका एक साथी आकर के बगल में खड़ा हो जाता है और एक साथी स्कूटी से आता है। वो आने के बाद पूछता है कहाँ जाना है, आगे हमारी सरकारी गाड़ी है। इनका साथी भी वहीं जाने की बात कहता है और गाड़ी में जाकर के लोग बैठ लेते हैं। आगे सरकारी गाड़ी होने के नाते चेकिंग के नाम पर पहले इनका जो साथी होता है वो सभी चीज़ें इनको दे देता है। उसी विश्वास में आकर के जो उस पर बैठा हुआ आदमी, सवारी जो बैठी रहती है, वो भी सभी चीज़ें दे देती हैं। चेकिंग के नाम पर ये लोग अपना बैग पकड़ा करके चले जाते हैं और इनका बैग लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। और बाद में जो चूँकि ATM के पिन भी इनको जो जानकारी होती है, उनके सभी सामान, पैसे, ATM के पिन से लोग मार्केटिंग और पैसे निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये घटना कारित करके लोगों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं। कितने लोग रहते हैं टीम में? अभी तक फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में दो लोग गिरफ्तारी हुई है। इनके और नेक्सस का हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और इनके पूरे आपराधिक इतिहास के माध्यम से हमारी टीम लगातार एसओ बीटा टू की टीम काम कर रही है। इसमें जो और भी लोग प्रकाश में आएंगे उनको भी जेल भेजेंगे। इनका देखिए, हम जैसा अभी प्रारंभिक पूछताछ ही 9:15 ही पकड़े गए, अन्य जनपदों में भी निश्चित तौर पर इनके आपराधिक घटनाएं होंगी, उसके विषय में भी हम जानकारी कर रहे हैं। कभी नगर में पहले ही जेल जा चुके हैं, इसका मतलब ये अन्य जनपदों में भी घटनाएं करते थे। ये सभी बिंदुओं को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अब तक इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में 1 दर्जन से अधिक घटनाओं को कबूल किया है। अभी हमारी सस्टेन इंट्रोगेशन अभी हमारी जारी, हमारी टीम इनसे पूछताछ कर रही है, अन्य घटनाओं के खुलासे होने की भी उम्मीद है। तब तक गाड़ी का नंबर आ जाए।
नदीम कौन सा इसमें नदीम हाथ उठा इधर वाला उधर पड़ोस नहीं है वहाँ तिलकता में एक दादी एक तिलकता नहीं आवाज ना एक के नाम के आगे लिख रहा था सैफी लिख रहा था इमरान सैफी इमरान सैफी सैफी चौक भैया उसे जानते हो आधा हिस्सा जाता है आधा हिस्सा जाता हमने अब देख लेना तुम्हारी देख लेना तुमने वीडियो नहीं बना रहा रिपोर्ट भी चले वो भी चल रहा भाई तब से क्या है तुम क्या कहने आपके सुनो ये अपने सेक्टर ओमिक्रोन वाला ओमिक्रोन से बचाव नहीं कर रहा हो तो भाई मर के बचे थे बैठो बैठो अभी तो कह रहा बैठ जाओ भाई बैठ जाओ ओमिक्रोन आ गया है हाँ, बहुत तेज फैल रहा है वाला तो पहले वो ही है हिंदुस्तान में दिख रहा है हाँ जी भैया अभी मैं पहुंच जाऊंगा जो भी करा दूँ सीधा साधा ऑर्डर 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 बताना अभी ना।